वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी क्रीमी फ्रूट सैलड। उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। पहले आप आपको पाइनएप्पल, स्मॉल साइज मिल्क पैक क्रीम, मायोनीज, बॉल मैक्रोनी बॉयल की हुई, एक प्लेट अनार, एक प्लेट केलों की, एक बाउल सेब, इन्हें मैंने इस साइज में कट किया है, एक प्लेट अंगूर, पाउडर शुगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे और बादाम क्रश किए हुए। बड़े साइज का मैं बाउल लूंगी ताकि मैं इन चीज़ों को इजीली मिक्स कर सकूं। सबसे पहले मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूंगी, अनार, सेब, अंगूर, केले, सारे फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर अब मैं पाइनएप्पल ऐड करूँगी और साथ ही पाइनएप्पल का जूस भी। बादाम ऐड करूंगी क्रश किए हुए। और इसे पहले मिक्स कर लेंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर मिल्क पैक क्रीम ऐड कर दूंगी। ये दो मिल्क पैक क्रीम के डब्बे डालने के बाद पहले मैं इसे मिक्स करूंगी। अगर हमें ये कम लगी तो हम और ऐड करेंगे। तीसरा डिब्बा भी मिल्क पैक का हम इसमें ऐड कर देंगे। क्रीम डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मायोनीज ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें शुगर ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। ये बन के तैयार है। मैं इसे अलग से बाउल में निकाल लूँगी। क्रीमी फ्रूट सैलेड की रेसिपी मैंने तैयार कर ली है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे इस तरह ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।